हाँ तो भाई, आयरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में पहला ओडीआई मैच 2 अक्टूबर को शाम को 5 बजे खेला जा रहा है। तो सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे कि यहाँ का जो पिच है जहाँ मैच खेला जाएगा, बैटिंग फ्रेंडली है या फिर बॉलिंग फ्रेंडली है। अगर बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो कौन से बैट्समैन हमको आज लेना सही रहेगा, और अगर बॉलिंग पिच है तो कौन से बॉलर हमको पिक करना टीम में सही रहेगा। उसके बाद बात करेंगे कि यहाँ का जो पिच है उस पर आयरलैंड की टीम पहले भी खेल चुकी है, तो आयरलैंड की तरफ से कौन से बॉलर और बैट्समैन का सबसे अच्छा इस पिच पे रिकॉर्ड रहा है, किसने सबसे ज्यादा रन बनाया था पिछली बार जब इस पिच पे मैच हुआ था, कौन सबसे ज्यादा विकेट लिया था, सारा कुछ देखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जीएल के लिए अपना ट्रम्प प्लेयर सिलेक्ट करेंगे, जिसका सिलेक्शन 30% या 40% होगा, वो प्लेयर हम लोग टीम में कौन सा होगा जिसके ऊपर हम रिस्क ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कैप्टन वाइस कैप्टन हम लोग इस मैच के लिए अपना किसको चुन सकते हैं, कौन सा अच्छा ऑप्शन रहेगा सीबीसी का, कौन रिस्की ऑप्शन है, कौन सेफ ऑप्शन है, सारा कुछ और डिटेल प्रिडिक्शन यहाँ पर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक आप जरूर देखना, क्योंकि आप जानते हो कि साउथ अफ्रीका थोड़ा स्ट्रांग टीम है और यहाँ पर जो क्या बोलते हैं आयरलैंड टीम है वो थोड़ा कमजोर टीम है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि साउथ अफ्रीका से हमको ज्यादा प्लेयर लेके चलना चाहिए। और पिछले बार जब दोनों टीमों में मैच हुआ था तो कौन से टीम के कितने विकेट गिरे थे ओडीआई मैच में 50 ओवर में, आइए सारा कुछ यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों स्टेट्स पे चलेंगे। यहाँ पर जैसा मैंने बताया था, पहले यहाँ पर टीम का वेन्यू वगैरह देखेंगे। तो पहले यहाँ पर देखोगे अगर आप आयरलैंड का रिसेंट का 5 मैच जिसमें से 2 विन है, 2 लॉस है और 1 मैच जो है टाई हो गया था। उसके बाद यहाँ पर साउथ अफ्रीका का आप देखोगे 2 विन है, 3 लॉस है। ठीक है, आयरलैंड और साउथ अफ्रीका के आपस में। उसके बाद यहाँ पर वेन्यू में बात करूंगा स्टेडियम, तो शेख जयाद स्टेडियम अबू धाबी में मैच खेला जाने वाला है, जहां का दोस्तों पिच आप देखोगे तो यहाँ का पिच बैटिंग फ्रेंडली है, बैट्समैन को सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद गुड फॉर स्पिनर है, यहाँ पर जो फास्ट बॉलर है उससे ज्यादा स्पिनर चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर वेदर क्लियर रहेगा, मैच के दौरान कोई भी बारिश वगैरह नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो एवरेज रन 262 का इस ग्राउंड का बताया गया है, जिसमें टोटल 59 विकेट लिए गए यहाँ पर। ठीक है, 69 जिसमें से 42 विकेट मिले हैं स्पिनर को, बाकी यहाँ पर सिर्फ 27 विकेट मिले हैं पेसर्स को। तो ज्यादा यहाँ पर जो है स्पिनर चलते हैं और दोनों टीमों में अच्छे स्पिनर है। वीडियो में हम आगे बताएंगे कि किसको आपको पिक करना है। ठीक है, उसके बाद आप हेड टू हेड में देखोगे टोटल 3 मैच खेला गया, जिसमें आयरलैंड की टीम ने 1 मैच जीता है, साउथ अफ्रीका की टीम ने 1 मैच जीता है और 1 मैच में नो रिजल्ट रहा था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि इस पिच पे जैसा मैंने बोला था वेन्यू पे सबसे अच्छा किस खिलाड़ी का रिकॉर्ड है, तो यहाँ पर आप साफ साफ नाम देख सकते हो। सबसे पहले है आयरलैंड की तरफ से, यहाँ पर आप देख सकते हो पॉल स्टार्लिंग का, जिसमें 5 मैच खेले हैं, एवरेज रन यहाँ पर 84 का है, स्ट्राइक रेट यहाँ पर दोस्तों 93 का है। उसके बाद आता है कर्टिस कैम्फर, जो कि 5 मैच खेला है, जिसमें 35 का एवरेज रन है और स्ट्राइक रेट 76 का है। उसके बाद आप देखोगे तो लॉर्केन टक्कर है, जिसने 5 मैच खेले हैं, 33 का एवरेज रन है, स्ट्राइक रेट 69 का है। उसके बाद आप आ जाओ बॉलिंग सेक्शन पे, तो ऑलराउंडर पे यहाँ पर एंड्री मैकबिर्नी है, जो कि 5 मैच खेले हैं, एवरेज विकेट 1.4 का है, इकोनॉमी 3 का है। उसके बाद क्राइग यंग है, जिसको ज्यादा विकेट मिले हैं, 5 मैचेस खेले हैं, 0.6 का एवरेज विकेट है और 6 का इकोनॉमी है। उसके बाद कर्टिस कैम्फर है। ठीक है, तो ये कुछ खिलाड़ी थे जो कि स्पेशल इस पिच पे काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं आयरलैंड की तरफ से। अब दोस्तों यहाँ पर फाइनल हम लोग अपना प्लेयर पिक करेंगे, तो सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शन पे अपने को लॉर्केन टक्कर मिलेंगे यहाँ पर आयरलैंड की तरफ से। उसके बाद वेरियन दोस्तों नहीं खेलेगा इस टीम में, ड्रॉप रहेगा साउथ अफ्रीका की तरफ से। उसके बाद ये भी खिलाड़ी नहीं खेलेगा यहाँ पर, रिंकटन जो है खेलेगा, साउथ अफ्रीका का बल्लेबाज, और जब T20 मैच हुआ था आयरलैंड के खिलाफ तो काफी अच्छा परफॉर्म किया था पिछले अभी कुछ दिनों में, आपने देखा होगा। उसके बाद रॉक भी नहीं खेलेगा, तो 2 प्लेयर है अपने पास, एक यहाँ पर रिंकटन है, दूसरा यहाँ पर लॉर्केन टक्कर है। तो यहाँ पर दोस्तों विकेट कीपर सेक्शन पे जो खिलाड़ी आपको पिक करने हैं, यहाँ पर हम पहला टीम कॉम्बिनेशन साउथ अफ्रीका के फेवर में बनाएंगे। अगर साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट करती है तो यह टीम कमाल की होने वाली है। पहला यहाँ पर हम ले लेंगे रिंकटन को, एक ही ऑप्शन है, एक ही अच्छा ऑप्शन, हम उसको विकेट कीपर सेक्शन से ले चुके। उसके बाद चलेंगे आप बॉलिंग सेक्शन पे, जहाँ पे दोस्तों यहाँ पर रविंद्र सन मिलेगा, जो कि काफी अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन अगर चल गया तो काफी अच्छा चलता है, नहीं चला तो 0 पे आउट होके चला जाता है। ठीक है, तो 50 ओवर का मैच है, तो यहाँ पर दूसन को आप टीम में जरूर से पिक कर लेना, रविंद्र दूसन को, इम्पोर्टेंट खिलाड़ी रहेगा। उसके बाद यहाँ पर बात कर ले दोस्तों एंड्री बालबिर्नी है, जिसका मैंने बताया इस पिच पे स्ट्राइक रेट अच्छा है, आप चाहो तो इसको टीम में पिक कर सकते हो। उसके बाद आप चाहोगे यहाँ पर पॉल स्टार्लिंग है, सिलेक्शन की बात करूंगा तो मात्र 29% है। ठीक है, 50 ओवर का मैच है तो स्टार्टिंग में बड़े ही आराम से टिक के खेलेगा, जल्दी विकेट नहीं गिराएगा। तो पॉल स्टार्लिंग अपने टीम का ओपनर है, मतलब बेस्ट प्लेयर ही होगा तभी ओपनर है, तो आप चाहो तो पॉल स्टार्लिंग को
पिक कर सकते हो टीम में। जीएल ट्रंप के लिए इंपॉर्टेंट होगा, मात्र 29% सिलेक्शन है, काफी सारे लोग छोड़ के जाएंगे। टेम्पा बबूमा की बात करूं तो दूसरा दोस्तों ट्रंप प्लेयर टेम्पा बबूमा हो सकता है, आप इसको टीम में जरूर ले लेना। कम से कम 50 से 60 रन आपको आराम से या 40 रन बना के दे सकता है, तो ड्रीम टीम में आराम से आ जाएगा। तो टेम्पा बबूमा दूसरा आपके लिए ट्रंप प्लेयर का हिस्सा बनेगा, आप टेम्पा बबूमा को ले लेना। उसके बाद दोस्तों हैरी टेकर है जिसको हम छोड़ के चलेंगे, और उसके बाद बात करें एक और प्लेयर है ट्रिस्टन स्टब्स है, ठीक है। तो ट्रिस्टन स्टब्स को दोस्तों हम यहाँ पर लेके टीम में चलने वाले हैं। हालांकि T20 में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, ODI में उतना नहीं करता, लेकिन अगर इसको मौका मिलेगा तो काफी अच्छा खेलेगा। यहाँ पर ट्रिस्टन स्टब्स का बैटिंग लाइनअप आपको 3 से 4 नंबर पे देखने को मिल जाएगा लाइनअप के बाद, ठीक है। तो स्टब्स को आप जरूर से टीम में पिक कर लेना। तो यहाँ पर जो खिलाड़ी हम पिक करेंगे, दूसन को मैंने पिक किया है, उसके बाद पॉल स्टार्लिंग है, उसके बाद यहाँ पर स्टब्स है, ठीक है। एक खिलाड़ी आप और चाहो तो पिक कर सकते हो, टेम्पा बबूमा को टीम में आप पिक कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर 3 लिए हैं। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन की अगर हम बात करें तो 33 कैंपर है जिसका मैंने बताया यहाँ पर स्पीच पे, बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों से यहाँ पर ठीक है, इकोनॉमी और जो भी है बैटिंग स्ट्राइक रेट ठीक रहा है, तो इसको आप पिक कर लेना, इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा आयरलैंड की तरफ से। उसके बाद यहाँ पर आप एंड्री मैकबेर्नी को भी पिक कर लेना। देखो दोस्तों ODI मैच है तो ऑलराउंडर को आप कोशिश करना कि ना ही ड्रॉप करना, ठीक है। ऑलराउंडर को टीम में जरूर रखना, एक बार आप बैट्समैन को ड्रॉप कर दोगे चलेगा, लेकिन ऑलराउंडर आप मत करना, ठीक है। मैकबेर्नी टीम में ले लेना। उसके बाद जॉर्ज डॉकरेल है जो कि स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, और मैंने जैसा बताया है स्पीच पे स्पिनर गेंदबाज ज्यादा चलते हैं, तो आप इस खिलाड़ी को भी पिक कर सकते हो, काफी सारे लोग छोड़ के जाएंगे। मात्र 30% सिलेक्शन और हो सकता है लाइनअप के बाद आपको 35 तक मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्लेयर को भी डॉकरेल को आप ले लेना। उसके बाद यहाँ पर देखो पहलुकवा मिलेगा यहाँ पर साउथ अफ्रीका की तरफ से, जो कि राइट आर्म मीडियम फास्ट है, पेसर्स गेंदबाज है, ठीक है। और पेसर्स गेंदबाज को हालांकि ज्यादा हेल्प नहीं मिल रही है। उसके बाद यहाँ पर वियान मुल्दर है जो कि राइट आर्म मीडियम फास्ट है, ये भी पेसर्स गेंदबाज है साउथ अफ्रीका की तरफ से। तो यहाँ पर हमारे पास देखा जाए तो ऑलराउंडर सेक्शन पे हमारे पास 5 अच्छे ऑप्शन है, ठीक है। तो 5 में हम किस खिलाड़ी को लेकर चलेंगे आइए जानते हैं। पहला दोस्तों हम यहाँ पर ले लेंगे कर्टिस कैम्पर को, दूसरा जॉर्ज डॉकरेल, तीसरा यहाँ पर ले लेंगे वियान मुल्डर को। मैंने सिर्फ 3 खिलाड़ी ऑलराउंडर सेक्शन से पिक किए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों बॉलिंग सेक्शन की, ठीक है। जहां पे देखो क्राइग यंग है जिसको विकेट मिलेगा ही मिलेगा, कम से कम 2 विकेट आराम से निकाल के देगा क्राइग यंग, हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर बात करें निगेड़ी है, तो निगेड़ी को राइट हैंड बैट्समैन राइट हैंड मीडियम फास्ट है, आप निगेड़ी को पिक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर नीचे दोस्तों बात करें देखो फॉर्चून है जो कि स्पिनर है अपने टीम से, और इसको आप जरूर से टीम में पिक कर लेना क्योंकि स्पिनर गेंदबाज है और पिच पे स्पिनर गेंदबाज को काफी अच्छा जो है सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करें नीचे एक और खिलाड़ी है मार्क अडायर है, ठीक है। मार्क अडायर राइट आर्म मीडियम फास्ट है, ये भी पेसर्स गेंदबाज है लेकिन बॉलिंग अच्छा कराता है, तो ये भी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर बात करें नंद्रे बर्गर है जो कि लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट है, अगर नंद्रे बर्गर दोस्तों खेलता है तो आप इसको टीम में जरूर ले लेना, काफी कम सारे लोग लेके जाएंगे। उसके बाद एक और ट्रंप प्लेयर आपके लिए बन सकता है बैटमैन, अगर लाइनअप के बाद आता है तो बैटमैन को आप ले सकते हो, 1 से 2 विकेट कन्फर्म है कि आपको निकाल के देने वाला है। यहाँ पर दोस्तों एक चीज और आपको दिखाना हम भूल गए कि यहाँ पर जब आप स्टैट्स पे चेक करोगे तो कई बार जब हेड टू हेड में आपस में मैच हुआ है, ठीक है, जो आप टीम का इसमें कॉम्बिनेशन बनाओगे आप ऐसा बनाना कि अगर साउथ अफ्रीका की टीम बॉलिंग फर्स्ट करती है बैटिंग सेकंड करेगी, ठीक है, तो उसमें आप क्या करना कि आप जब रन चेस करेंगे साउथ अफ्रीका तो उसमें आप टॉप ऑर्डर के 4 बैट्समैन ले लेना और नीचे के 4 बॉलर ले लेना जो कि पावर प्ले में बॉलिंग कराते हो और जो है डेथ ओवर में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे काफी बार, तो देखो यहाँ पर जैसे मैच हुआ था जब ODI मैच, तो आयरलैंड की टीम ने 276 पे 10 विकेट गिराए थे। उसके बाद यहाँ पर देखो साउथ अफ्रीका ने मात्र 364 रन पे सिर्फ 4 विकेट गिराए थे, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका की टीम देखो चाहे बैटिंग फर्स्ट करे चाहे बॉलिंग सेकंड करे, ठीक है, तो साउथ अफ्रीका के आप एक टीम ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना जिसमें टॉप ऑर्डर के 4 बैट्समैन आराम से ले लेना और नीचे के साउथ जो आयरलैंड है उसके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन आप कम लेना, ठीक है, ड्रॉप कर देना, सिर्फ पॉल स्टार्लिंग को ले लेना। जैसे यहाँ पर देखो 364 रन बना दिया मात्र 4 विकेट गिरा करके, तो जाहिर सा बात है कि यहाँ पर जो आयरलैंड के बॉलर है उनको विकेट नहीं मिला होगा ज्यादा, किसी किसी को 1-2 विकेट मिले, और यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका का बॉलर है उसको पूरा 10 विकेट मिला है, तो जाहिर सा बात है सभी बॉलर को 2-2 या 3-3 विकेट मिले होंगे, ठीक है। दूसरा मैच आप देखोगे इधर तो आयरलैंड ने 290 पे 5 गिराए थे, उसके बाद 247 पे साउथ अफ्रीका ने 10 गिराए हैं, तो एक टीम कॉम्बिनेशन जो होगा आप बनाना साउथ अफ्रीका के फेवर में और एक टीम दोस्तों जो कॉम्बिनेशन है वो बनाना आप आयरलैंड के फेवर में, ठीक है। एक तरफ टॉप ऑर्डर के साउथ अफ्रीका के प्लेयर लेना, दूसरे टीम में आप आयरलैंड के टॉप ऑर्डर के 4-5 बैट्समैन ले लेना, 2 टीम बनाना दोनों फेवर में। उसके बाद देखो यहाँ पर आयरलैंड ने 148 में 10 गिरा दिए हैं,
वहीं 354 पे साउथ अफ्रीका ने बैटिंग फर्स्ट करके मात्र 5 विकेट गिराए हैं। यानी आयरलैंड की टीम अगर रन चेस करती है, मतलब बैटिंग सेकंड करती है, तो कम ही चांस है कि ज्यादा रन स्कोर कर पाए, ज्यादा विकेट गिरेगी। ठीक है, यहाँ पर देखो 210 पे 10 विकेट गिरे, साउथ अफ्रीका ने 411 बनाए हैं सिर्फ 4 विकेट गिरा करके। हर जो बैट्समैन है, यानी कि 100 रन या 80 रन के आसपास जो है सभी बैट्समैन ने बनाए हैं, तो टॉप ऑर्डर के आप बैट्समैन जरूर लेना एक टीम बना करके। यहाँ पर 141 पे 10 गिरे हैं, साउथ अफ्रीका ने 272 पे 7 गिरा है। ठीक है, तो पहला जो दोस्तों टीम का अपना कॉम्बिनेशन होगा साउथ अफ्रीका के फेवर में। उसके बाद यहाँ पर बात करें बॉलिंग सेक्शन की, तो यहाँ पर दोस्तों फॉर्चून इम्पोर्टेंट प्लेयर है, फॉर्चून को ले लेंगे। उसके बाद निगेडी हो जाएगा, एक और प्लेयर यहाँ पर हम दोस्तों बात करें तो बैटमैन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आयरलैंड के एक भी खिलाड़ी को नहीं लिया है। यहाँ पर वापस से बात करें बैटिंग सेक्शन की, तो हम यहाँ पर दोस्तों साउथ अफ्रीका का प्लेयर टेम्बा बबूमा को पिक कर लिया, जैसा मैंने ऑप्शन पे बताया था। फाइनल दोस्तों ग्रैंड लीग का टीम कॉम्बिनेशन पहला आपके सामने बन के तैयार है, जिसमें टॉप ऑर्डर के बैट्समैन आप देखोगे तो रिंकटन हो जाएगा, उसके बाद भूषण है, फिर टेम्बा बबूमा, फिर स्टब्स। ये 3-4 मैंने बैट्समैन ऑलरेडी टीम में ले लिया है और 3 बॉलर लिए हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका अगर विकेट कम गिराती है तो यहाँ पर जो है आयरलैंड के बॉलर को चांस नहीं मिलेगा ज्यादा विकेट मिलने के, तो इसलिए मैंने 2 ऑलराउंडर और सिर्फ 1 बैट्समैन, टोटल 3 खिलाड़ी मैंने आयरलैंड से लिए हुए हैं। और क्यों लिया है मैंने रीजन आपको बता दिया। अब इसमें देखो बात कर लेते हैं सीबीसी की। ठीक है, तो सीबीसी के लिए दोस्तों बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर दूसन और रिंकटन, 2 अच्छे बल्लेबाज हैं टॉप ऑर्डर के साउथ अफ्रीका के, दोनों के साथ आप चाहो तो सीबीसी इन दोनों के साथ जा सकते हो, पहला ऑप्शन। उसके बाद दूसरा अगर हम बात करें तो आप कर्टिस कैंपर के साथ वाइस कैप्टन जा सकते हो। वहीं फॉर्चून के साथ आप सीबीसी दोस्तों स्पिनर है, काफी अच्छा हेल्प मिलेगा, तो हो सकता है 3 विकेट कम से कम फॉर्चून निकाले, तो फॉर्चून के साथ आप सीबीसी जा सकते हो और यहाँ पर बैटमैन के साथ भी। ठीक है, तो इसकी ऑप्शन जो है आपके लिए बैटमैन है और फॉर्चून है। उसके बाद यहाँ पर वियान मुल्दर है वाइस कैप्टन के लिए और कर्टिस कैंपर है, जो सेफ ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर आपके लिए है रविंद्र दूसन और रिंकटन। तो फाइनल दोस्तों बात करें कि इस मैच में हम कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाएंगे, तो दोस्तों रिंकटन अपना कैप्टन होगा, वाइस कैप्टन रविंद्र दूसन होगा। ठीक है, फाइनल दोस्तों ग्रैंड लीग का टीम कॉम्बिनेशन पहला आपके सामने बन के तैयार है, जो की पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका के फेवर में टीम होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर इस टीम को आप सेव कर लो, अगर लाइनअप के बाद कोई चेंज आता है तो आपको मैं टेलीग्राम पे फाइनल अपडेट कर दूंगा। अगर दोस्तों एक बात बता दें कि जो मैंने वीडियो में टीम बनाया है, अगर इसमें लाइनअप के बाद कोई चेंज अपडेट आता है तो इसका फाइनल टीम फाइनल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो सभी लोग जाके ज्वाइन कर लेना। साथ में चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके एक अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। याद से टेलीग्राम दोस्तों ज्वाइन करना, क्योंकि फाइनल टीम वहीं पे आती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ पर देखो बात करते हैं टीम नंबर दूसरा के कॉम्बिनेशन के बारे में, जो कि यहाँ पर होने वाला अपना आयरलैंड के फेवर में पूरी तरीके से। ठीक है, तो आयरलैंड का जैसे यहाँ पर मैं ले लूंगा लॉरकन टक्कर है, तो लॉरकन टक्कर को ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रिंकटन को ले लेंगे। बैटिंग सेक्शन की बात करें, दूसरा अपना ड्रॉप रहेगा, यहाँ पर हम ले लेंगे पॉल स्टार्लिंग को। उसके बाद हम ले लेंगे यहाँ पर एंड्री बालबिरनी को, जो कि थर्ड या फोर्थ डाउन पर बैटिंग करेगा, सिर्फ 2 खिलाड़ी लेंगे। उसके बाद ऑलराउंडर की बात करें तो यहाँ पर कर्टिस कैंपर हो जाएगा, जॉर्ज डॉकरेल हो जाएगा, उसके बाद मुल्दर, पेलुकवा, और यहाँ पर बात करें तो मैक बालबिरनी है, तो बालबिरनी को इस बार हम ड्रॉप करेंगे। ठीक है, बॉलिंग सेक्शन की बात करें दोस्तों, तो बॉलिंग सेक्शन पे सिर्फ फॉर्चून ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम ले लेंगे मार्क अडायर को, उसके बाद यहाँ पर ले लेंगे कराई गियंग को। फाइनल ग्रैंड लीग का टीम कॉम्बिनेशन दूसरा बन के तैयार है, जो कि आयरलैंड के फेवर में होने वाला है। आयरलैंड के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन जैसे पॉल स्टार्लिंग, बालबिरनी, लॉरकन टक्कर, कर्टिस कैंपर, ये सभी टॉप ऑर्डर के बैट्समैन मैंने टीम में लिए हैं। अब इसमें देखो बात कर लेते हैं सीबीसी की, तो यहाँ पर मैं बना दूंगा कैप्टन वाइस कैप्टन, वाइस कैप्टन हम बना देंगे यहाँ पर कर्टिस कैंपर को। और कैप्टन की अगर हम बात करें इस मैच में, तो कैप्टन हम रिंकटन के ऊपर ही जा सकते हैं, या फिर हम चाहे तो दूसरे ऑप्शन पे यहाँ पर जॉर्ज डॉकरेल या फिर कर्टिस कैंपर है, तो अपना कैप्टन जो है रिंकटन ही रहेगा, वाइस कैप्टन कर्टिस कैंपर रहेगा। फाइनल दोस्तों ग्रैंड लीग का टीम कॉम्बिनेशन दूसरा आपके सामने बन के तैयार है, इस टीम को भी आप सेव कर लो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो एंड टीम दोनों आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा यूनिक बना के दिया है, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर देना, साथ में चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों फिलहाल यहीं तक रहता है अपना मैच का प्रेडिक्शन, तो मिलते हैं आप सभी से अपने अगले वीडियो में।